से कि कब आना है और एग्जाम होगा, पहले सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद हाइट वेट चेस्ट हर चीज मापा जाएगा। जो सही है उनको रखा जाएगा उधर ट्रेनिंग के लिए, उधर फिजिकल रिटर्न के हर चीज का ट्रेनिंग मिलेगा और फिर एसएससी जीडी में आप लोग आसानी से एग्जाम दे सकते हो, इसके कारण फैसिलिटी दे रहे हैं सीआरपीएफ। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज की भी वीडियो में यही बताऊंगा कि कल सीआरपीएफ कैंप में क्या हुआ था सिलचर दयापुर में, तो हर चीज में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सिलचर जो दयापुर सीआरपीएफ का जो कैंप है, दोस्तों कुछ दिन पहले एक नोटिस ने एक पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में यही लगाया गया था कि 16 अगस्त को वहाँ पर फ्री गाइडेंस और काउंसिलिंग होगा। तो उन लोगों ने सोचा था कोई ज्यादा आदमी नहीं होंगे, कैंडिडेट ज्यादा नहीं होंगे, 100-200 ऐसा कैंडिडेट होंगे, लेकिन सच बताओ तो कल मैंने देखा 1000 से प्लस कैंडिडेट आ चुके थे उधर। दोस्तों आप मैं बताऊंगा वहां पर क्यों बुलाया गया था। दोस्तों उधर हम लोगों को जाने के बाद जैसे रैली में जैसे एंट्री होता है लाइन पकड़ के, ऐसा सेम टू सेम ऐसा हुआ था। 10 बजे शायद 9 या 9:30 बजे गेट खुला था, उसके बाद गेट में जैसे आर्मी में जैसे एंट्री होता है ना दोस्तों, ऐसे सेम टू सेम ऐसा हुआ था एंट्री। उसके बाद हम लोगों को एक ग्राउंड पे लेके गया जहाँ पे 1600 मीटर का ट्रैक नहीं होगा, वो छोटा होगा ये ट्रैक, वहाँ पे लेके गया हम लोगों को, वहाँ पे बिठाया गया है। फिर कुछ ऑफिसर आए थे, उसके बाद हमारे डीआईजीपी सर भी आए थे। उधर आने के बाद वही बोल रहे थे कि आप लोगों को इधर बुलाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग आप लोगों को ज्वाइनिंग करा देंगे सीआरपीएफ में, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को बुलाने का हमारा हम लोग का मकसद एक ही है कि जो वैकेंसी निकला है एसएससी जीडी में, उसके लिए हम आप लोगों को बुलाया है ताकि इधर आप लोगों को मतलब हाइट वेट चेस्ट हर चीज मापा जाएगा। उसके बाद इधर एक एग्जाम भी होगा 25 मार्च का। अगर आप लोग उधर सिलेक्ट हो जाते हो तो हम आप लोगों को कुछ कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट देख के जिनका सही लगता है कि फौज में जाने का सही मतलब है, सब कुछ सही है, तो हम उन लोगों को रखेंगे इधर और कुछ दिन हम लोगों को उनको फिजिकल का ट्रेनिंग, उसके बाद रिटर्न का एग्जामिनेशन का कैसे क्या होता है, रिटर्न में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम लोग उनको सही से क्लास करवाएंगे ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो आप लोगों का मतलब हार्ड ना हो, आप लोग आसानी से एग्जाम दे सकते हो और पास भी कर सकते हो, इसीलिए हम आप लोगों को इधर बुलाया है। लेकिन दोस्तों कल कुछ भी मेजरमेंट नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ है दोस्तों क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे, 1000 से प्लस कैंडिडेट थे, इसकी वजह से इतना सारा कैंडिडेट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेजरमेंट नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने एक ब्लैंक पेपर दिया है, उसमें अपना नाम एड्रेस फोन नंबर वगैरह हर चीज लिखने के लिए बोला है ताकि वो लोग कॉल करेंगे दोबारा से कि कब आना है और एग्जाम होगा, पहले सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद हाइट वेट चेस्ट हर चीज मापा जाएगा। जो सही है उनको रखा जाएगा उधर ट्रेनिंग के लिए, उधर फिजिकल रिटर्न के हर चीज का ट्रेनिंग मिलेगा और फिर एसएससी जीडी में आप लोग आसानी से एग्जाम दे सकते हो, इसके कारण फैसिलिटी दे रहे हैं सीआरपीएफ। और ये भी बताया गया है कि कभी दलाल के पीछे मत पड़ जाना, अगर कोई तुम्हें बोले कि मेरे बहुत बड़े लोगों से पहचान है, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, भर्ती करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इन दलालों के पीछे मत पड़ना, अपना पैसा को खर्च मत करना फालतू में। तो इन सब चीजें बताया गया है और भी मोटिवेट जैसा बातें बताया गया, तो हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा उधर जाने के बाद, और इतना सारा कैंडिडेट देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इतना कैंडिडेट है फौज में जाने के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा लोग है यार, मैं तो कुछ भी नहीं यार, लेकिन और भी कितना कैंडिडेट है जो फौज में जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं कल मुझे पता चला है कितना सारा कैंडिडेट है। और सच बताओ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है कल जाके, क्योंकि इतना सारा कैंडिडेट मैंने देखा है जो फौज के लिए तैयारी करते हैं दिन रात। मैंने काफी सारे लोगों से बात भी किया है, कुछ लोग बोलते थे भाई हमारा सपना ही, हमारा टारगेट एक ही है कि हम फौज में जाए, उसके अलावा हम कुछ नजर नहीं डालते किसी चीज में, हमें सिर्फ फौज में जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं कुछ भाई लोगों से मैंने बात भी किया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और मुझे प्राउड फील भी हो रहा है कि यार इतना मेहनत करते यार इतना लोग मतलब फौज में जाने के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे। कुछ लोग बोल रहे थे भाई उधर रैली हो रहा है क्या, सीआरपीएफ का ओपन रैली हो रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ओपन रैली नहीं हो रहा है, उधर एग्जाम होगा पहले, उसके बाद कुछ मेजरमेंट होगा, अगर जो पास होगा उनको वहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ पे फ्री में हर चीज ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा ताकि एसएससी जीडी में पास हो जाए, और सीआरपीएफ यही चाहते हैं कि सब लोग पास हो जाए। सीआरपीएफ मौका दे रहा है फौज में जाने के लिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए मौका दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। बस दोस्तों आप लोग तैयारी करो, मेहनत करो यार, फॉलोइंग जरूर मिलेगा, और ऊपर वाले सब कुछ देखते हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।